हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो उसके कृष्णा गेमिंग और ब्रॉसार्स की एक और नई वीडियो के साथ हम आ गए हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रॉसार्स के अगले अपडेट की। और अगर आप इस वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगले ब्रॉल टॉक की डेट कौन सी है। तो हम जल्दी से कर लेते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और सब्सक्राइब के बटन के साथ है बेल आइकन, उसे दबाना मत भूलें। थोड़ी देर पहले ही ब्रॉल स्टार्स के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट हुई है लाइव, और इस पोस्ट में हमें कई तरह के हिंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि सीधा इशारा करते हैं अगले ब्रॉल टॉक के ऊपर। और इसी वीडियो के चलते मैं अपनी प्रेडिक्शन दूंगा कि अगले अपडेट में क्या आ सकता है। और यही है वो पोस्ट जिसके बारे में मैं कर रहा था बात। और यहाँ पर हम इस वीडियो को कर लेते हैं पॉज। यहाँ पर हमको एक न्यूज़पेपर देखने को मिल जाता है जिसका नाम है द डेली ब्रॉल। और ये जो न्यूज़पेपर है उसके पहले पेज पे डेट लिखी है 24 जून 2020। और यहाँ पर हमको पहली हेडलाइन देखने को मिल जाती है ओशन अर्थक्वेक रॉक द सिटी। और नीचे पूरी न्यूज लिखी है सेस्मिक एक्टिविटी इन द ओशन जस्ट आउटसाइड द सिटी हैज रिजल्ट इन अर्थक्वेक। द इनिशियल ट्रेमर वर क्विकली ब्लेम्ड ऑन जैकी हु वाज सिंस पब्लिकली रिस्पॉन्डेड विद अ स्टेटमेंट डिसमिसिंग द एक्सर्शन व्हिच इज सैडली येट अनसरप्राइजिंगली अनफिट फॉर प्रिंट। Carl was quick to assemble a team of geologists who have discovered the source of the activity comes from much deeper underground, possibly from very depths of the ocean. The earthquake continued to grow, very little is known as to why. मुझे लगता है कि यहाँ पर न्यू ब्रॉलर की बात हो रही है, और जो न्यू ब्रॉलर है वो ओशन से रिलेटेड है और उसी के कारण ही सिटी में आया है अर्थक्वेक। और साइड पे एक और न्यूज़ हमको देखने को मिल जाती है जिसकी हेडलाइन है एंकर्स अवे। और यहाँ पर हमको उम्मीद है कि डैनी अगले ब्रॉल टॉक में देखने को मिल जाए। और उसके नीचे ही मैक्स एनर्जी ड्रिंक की एडवर्टीजमेंट है जिसमें 20% ऑफ है। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, चलते हैं हम अगले पेज पे। अगले पेज पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर डेट लिखी है 25 जून 2020। और नीचे बड़े बड़े शब्दों में लिखा है टॉक्सिक स्पिल कुड बी कॉस्टली। और यहाँ पर नीचे न्यूज लिखी है मिस्टीरियस स्पिलेज हैज सीन द सी टर्न टॉक्सिक सिटी रेजिडेंट हैड बीन एडवाइज्ड टू स्टे विद इन द कन्फाइंस ऑफ द सिटी एंड डोंट गो नियर द वाटर। The consequences of the toxic spillage are still being speculated. However, no one has been admitted culpability for the accident, many citing a recent spike in the demand for energy drink as a contributing factor. यहाँ पर बात हो रही है टॉक्सिक की, तो मुझे लगता है कि क्रो ब्रॉलर की कोई न्यू स्किन या फिर उसके रिलेटेड कुछ आने वाला है। और आप बैकग्राउंड में भी देखें क्रो ब्रॉलर की आपको पिक्चर देखने को मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पेज की तरफ। इस पेज पे हमको पता लग जाता है कि ब्रॉल टॉक आने वाला है 27 जून को। यहाँ पर लिखा है ब्रॉल एंड टॉक न्यूज टॉक शो एयर्स ऑन 27 जून, और साथ में बनी है टिक ब्रॉलर की पिक्चर। मुझे लगता है कि यहाँ पर टिक ब्रॉलर की पिक्चर इसलिए बनी है क्योंकि कोई न्यू स्किन आ सकती है टिक ब्रॉलर की, क्योंकि टिक ब्रॉलर ऐसा ब्रॉलर है जिसकी अभी तक एक भी स्किन नहीं आई है। अगर हम इसी न्यूज के ऊपर देखें, यहाँ पर लिखा है बाल इज द हॉटेस्ट बार इन द सिटी। इससे मुझे लगता है कि बाली की कोई न्यू स्किन आने वाली है, या ये भी हो सकता है कि हमारे अगले सीजन का नाम बाल इज बार हो। अब हम बात करते हैं अगली मेन न्यूज की। इसमें लिखा है कि एन ऑलमोस्ट कैमल लाइक बरो हैज बीन डिस्कवर्ड ऑन द बीच जस्ट आउटसाइड द सिटी डिस्पाइट बैफलिंग साइंटिस्ट बॉटनिस्ट एंड नेचर लवर रोजा हैज अ ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी दैट अ होल मे हैव बीन क्रिएटेड बाय अ क्रैब। गिवन द प्रोपोर्शनल ऑफ द होल रोजा प्रेडिक्ट द क्रैब साइज कुड बी इग्नेटिक बाय माई कैलकुलेशन द रिलेटिव साइज ऑफ द क्रैब वुड बी ड्वार्फ्ड सुपर स्टेडियम।
यहाँ से हमको पता लगता है कि जो अगला ब्रॉलर आने वाला है वो क्रैब जैसा हो सकता है, क्योंकि पिछले पेजेस में भी हमने बात की है, हर पेज पे जिक्र हो रहा है ओशन का, और जो क्रैब है वो एक सी एनिमल ही है। तो मुझे लगता है कि जो अगला ब्रॉलर है वो क्रैब ही हो सकता है, और आप पिक्चर में ध्यान से देखें, क्रैब के पैरों के निशान भी आपको दिखेंगे। इस न्यूज़पेपर के आखिरी पेज पर हम आ चुके हैं, और यहाँ पर मेन हेडलाइन लिखी है अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर सीन इन द सिटी। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको न्यू ब्रॉलर का पता लग जाएगा। मेरे हिसाब से ये एक क्रैब की तरह ही है जो कि बोट में आ रहा है। ये जो है ये बोट है, और बाकी का हिस्सा मुझे क्रैब जैसा ही लग रहा है जो कि बोट में आ रहा है। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर मैक्स एनर्जी ड्रिंक को फ्री कर दिया गया है। पहले ये हुआ था 20%, फिर 50, अब फ्री है। मतलब ये जो अपडेट है वो मैक्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि 3 बार मैक्स एनर्जी ड्रिंक का जिक्र हो चुका है इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैक्स जो है वो एक हीरो ब्रॉलर है, तो मुझे लगता है कि जो अगला सीजन है वो हीरो के रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये जो नया ब्रॉलर आने वाला है वो एक हीरो ब्रॉलर हो सकता है, या फिर मैक्स ब्रॉलर की कोई ऑसम स्किन आ रही हो, कुछ भी हो सकता है भाई। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की। यहाँ पर अगली न्यूज़ की हेडलाइन लिखी है अनदर हेस्ट इन द बैंडिट कोव। नीचे न्यूज़ लिखी है अ कन्फ्यूज्ड कैशियर डिस्क्राइब्ड हिज एक्सपीरियंस, A living cactus broke into my store and stole 90 kg या फिर 80 kg of marshmallows। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कैक्टस ब्रॉलर है वो है स्पाइक, और स्पाइक ब्रॉलर की मेरे हिसाब से एक न्यू स्किन आने वाली है, और यहाँ पर मेरी प्रिडिक्शंस होती है ख़त्म। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इनकरेजमेंट मिलती है न्यू कंटेंट बनाने में। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्केरी कृष्णा गेमिंग, और खेलते रहिए ब्रॉल स्टार्स।